कि हमारे परिवार को 5 लोगों को मार दिया बड़ी बेरहमी से, उनको फांसी हो और उनको जो भी मिले हुए इनमें सबको फांसी हमारे सामने तत्काल फांसी दिया जाए, नहीं तो हम भी फांसी लगा के मर जाए वाली। हमारे परिवार के वजह से हम जी रहे थे, अब हमको जीने की भी कोई वो नहीं है, शौक नहीं है, हमको न्याय चाहिए, हमको बस अन्याय नहीं चाहिए, हमको फांसी चाहिए। आज ये हमारे आज हमारे साथ हुआ है, कल और भी किसी के साथ होएगा। हम ये सबक देना चाहते हैं इनको कि फांसी हो इनको, तत्काल फांसी हो इनको, और ये निमार में जितने भी दबंग लोग हैं उन लोगों को एक शिक्षा मिले, ताकि ऐसा दूसरा परिवार के साथ नहीं हो। हमारा तो पूरा परिवार ही लूट गया, हम तो फांसी की मांग रखते हैं, नहीं फांसी नहीं मिलते हमको तो हम खुद फांसी लगा के मरने के लिए आप बैठे हैं। बोलो क्या बोल रहे हैं, आपको बस इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने भी और हमारा बहन वगैरह को मारा है, मेरी मम्मी को मारा है, उनको फांसी सजा मिलना चाहिए, मतलब बिल्कुल। और हमारा ये गोंडवाना पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है, इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, बहुत सहायता की है। आज ये नहीं होते तो शायद अभी भी तक भी वो मिल नहीं पाते। सही बात है। इन लोगों ने कोर्ट में चलाया जाए ताकि 6 महीने के अंदर पूरा एकदम क्लियर करके, और उन पापी जो एक नेमावर की जो एक पवित्र धरती है उसको जो है कलंकित किया है, तो उनको जो है फांसी की सजा सुनिश्चित की जाए। और जो पीड़ित परिवार है बहुत ही बेहद गरीब है, उनको 3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार दे। उसमें 5वीं मांग हमारी है कि पीड़ित परिवार में केवल 3 लोग बचे हुए, उनको तीनों को सरकारी नौकरियां दी जाए, तब ये चक्का जाम यहाँ से खुलेगा। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भी हमारे जो दल हैं, सभी लोग कांग्रेस के लोग भी हमें समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। सज्जन अपना शीश दबाने आते हैं, जहाँ विद्यासागर जी महाराज का आश्रम है, जहाँ अहिंसा परमो धर्म की बात होती है, वहाँ पे कुछ आताताई लोगों ने 5-5 लोगों की जघन्य हत्या करके क्या क्या कृत्य उन लोगों ने किया, चुप रहे, ये कल्पना करके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहाँ अहिंसा परमो धर्म का नारा लगता हो, जहाँ उस परिवार को जहाँ संरक्षण की आवश्यकता थी, उल्टे उस परिवार को मौत के मुख में ढकेल दिया। क्या क्या अत्याचार किए ये तो ऊपर वाला जानता है, और जो हमारे भाई बहन असमय मृत्यु के मुख में गए वो जानते हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से ये कहना है, शिवराज चौहान से ये कहना है, देख भैया शिवराज खूब मामा बन लिया प्यारे, कंस मामा मत बन, शकुनी मामा मत बन, असली मामा बन जा, जा अपने भांजे और भांजियों की रक्षा का दायित्व, भले तूने नकली दायित्व लिया हो लेकिन एक बार तो दायित्व निभा दे। इन अबोध बच्चों को, परिवार को 1 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, इन एक पढ़े लिखे बच्चे बच्ची को नौकरी मिलना चाहिए। 17 मई को भारती नाम की महिला ने अपने परिवार के सदस्यों 5 लोगों के बारे में गुम होने की रिपोर्ट थाना नेमावर में दर्ज कराई। उसने ये बताया कि 13 तारीख से उसकी माँ और उसकी 2 सगी बहनें और 2 कज़न
ये मिसिंग है और फ़ोन नहीं लग रहा है। पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की, आसपास के इलाकों में इन्होंने जानने का प्रयास किया, रिश्तेदारियों में पूछताछ शुरू की। इसी दौरान जो एक रूपाली नाम की महिला है 22 साल की, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, उसका मोबाइल चालू था, उससे मैसेजेस आ रहे थे, CDRs कलेक्ट किए गए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस निकाले गए, एनालाइज किया गया। पूरे घटनाक्रम में ये तथ्य सामने आए हैं, सुरेंद्र राजपूत नाम का जो व्यक्ति है, उसकी दोस्ती रूपाली नाम की महिला से थी, और जो अभी तक जानकारी आई है उसमें यह है कि सुरेंद्र राजपूत का ब्याह अन्य कहीं जगह होना था, जिस पे रूपाली आपत्ति व्यक्त कर रही थी, शायद इसी से परेशान होकर या इसी से क्षुब्ध होकर या इसी से यही कारण जो इमीडिएट प्रोवोकेशन का बना, उसने रूपाली और उसके अन्य जो परिवार वाले हैं, माँ और अन्य 3 भाई बहन, उन सबको 13 की रात को ही एक एक करके हत्या करके तो उनको अपने खेत में 12 फीट नीचे गाड़ दिया था। इसी दौरान जब पूछताछ चल रही थी, रेगुलर पूछताछ के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एनालाइज करने के दौरान पुलिस को ये तथ्य सामने आए हैं। लगातार पुलिस जब पूछताछ करती रही है तो इन पे जब शंका ज़्यादा हुई है और पूछताछ के दौरान ये पूरा खुलासा हुआ है, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। इसमें अभी तक का पुलिस ने 7 लोग को राउंड अप किया है और इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, एक एक करके हत्या करके तो उनको अपने खेत में 12 फीट नीचे गाड़ दिया था। इसी दौरान जब पूछताछ चल रही थी, रेगुलर पूछताछ के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एनालाइज करने के दौरान पुलिस को ये तथ्य सामने आए हैं। लगातार पुलिस जब पूछताछ करती रही है तो इन पे जब शंका ज़्यादा हुई है और पूछताछ के दौरान ये पूरा खुलासा हुआ है, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। इसमें अभी तक का पुलिस ने 7 लोग को राउंड अप किया है और इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। सर आगे भी और इससे जुड़े तार और भी, देखिए ये तो अभी तक का इतनी जानकारी है और ये जानकारी की पुष्टियां भी हो रही हैं, इसके बाद अगर कोई तथ्य आएंगे तो उस पर हम ज़रूर हमारी टीम पूछताछ करेगी इन लोगों से, वरना अभी तक जो है इसमें इमीडिएट प्रोवोकेशन वो महिला से के संबंध थे और उसे परेशान होकर इन लोगों ने मिलकर ये वारदात की है। सभी ने अपना अपना रोल अदा किया है और एविडेंस को छुपाने की कोशिश की है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन जैसा सभी को विदित है पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, क्राइम बहुत दिनों तक नहीं छुपता है, अल्टीमेटली ये सब खुलासा हो ही गया। वाहन वगैरह का उपयोग भी किया इसमें? वाहन वगैरह का उपयोग हुआ है, अभी तो जो जानकारी मिली है उसमें वाहन का भी उपयोग है, लेकिन वाहन अभी तक का जो जानकारी मिली है वो जो मृतक पक्ष हैं उनके वाहन की यूज़ होने की जानकारी मिली है। अन्य वाहन जो इसमें आए हैं उसमें पूछताछ अभी जा रही है कि अन्य कौन कौन से वाहन इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। सर आप कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, जबकि नेमावर थाना अंतर्गत ही ये लाशें मिली गई हैं और 45 दिन बाद कहीं ना कहीं पुलिस के कार्रवाई पर भी नहीं, पुलिस की कार्यवाही में कोई लेतलताफ़ी नहीं है। मैंने पूरे यहाँ की कल रात को पूरी केस डायरी इनकी देखी है, सभी अधिकारियों से मैंने बात की है, यहाँ के सभी इंक्लूडिंग SP और उनकी पूरी टीम ने लगातार जिसमें हर एक दिन इसमें काम किया है, कई जगह रेड्स किए हैं, छोटे से छोटा जहाँ सूत्र मिल सकता है उसकी पहचान करने के प्रयास किए गए हैं, करीब 80 मोबाइल नंबर्स को डिटेल में एनालाइज किया गया है, यहाँ तक कि जो रूपाली कहाँ अमेजोन से कुछ खरीदती हो या स्विगी में कुछ ऑर्डर करती हो, ऐसे भी लोगों से पूछताछ की गई है, तो वृद्ध स्तर पे इस पे जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। हाँ ये सत्य है कि आरोपी शातिर माइंडसेट के साथ पुलिस को गुमराह करता रहा, रूपाली का मोबाइल ऑन था, वहाँ से पोस्ट डालते रहे ये दर्शाने के लिए शायद कि वो जिंदा है, तो वो सब एविडेंसेस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं और
भरसक और अच्छे प्रयासों के बाद दर्ज की गई है, तो वृद्ध स्तर पे इस पे जानकारियां प्राप्त की गई हैं। हाँ, ये सत्य है कि आरोपी शातिर माइंडसेट के साथ पुलिस को गुमराह करता रहा। रूपाली का मोबाइल ऑन था, वहाँ से पोस्ट डालते रहे ये दर्शाने के लिए शायद कि वो जिंदा है। तो वो सब एविडेंसेस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं और भरसक और अच्छे प्रयासों के बाद पुलिस को ये सफलता मिली। खड्डे के लिए क्या जेसीबी का उपयोग हुआ है या हाथ से खुदा? देखिए, अभी तक का जो हमारे पास जानकारी है वो कुछ मजदूरों के साथ इसने शुरू में खुदवाए थे, बाद में पुलिस ने फिर इसको जेसीबी से खुदवा कर लाशें बाहर निकलवाई। सर, गुमशुदी के बाद से कई महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुए हैं? जी, इसकी अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई ऐसी पुष्टि नहीं है। जो ले गए हैं जिंदा अवस्था वहाँ तक ले गए हैं, ऐसे मृत अवस्था में ले गए ये यहाँ से उनको वहाँ पे ले गए हैं, वहीं पे उनका हत्या की गई, खेत पे ही कारित की गई। तो ये वारदात को सर 14 तारीख को अंजाम दिया गया या 13 तारीख को? 13-14 की दरमियानी रात थी, उसी दौरान की घटना है। किन हथियारों का प्रयोग किया गया? इसमें रॉड, विशेष तरह रॉड है और गला घोटने के लिए किसी रस्से का भी इस्तेमाल किया गया। क्या ये उपलब्ध है? जी हाँ, पुलिस के पास एविडेंसेस उपलब्ध है। लाशों को गलाने के लिए कुछ केमिकल्स और खाद का उपयोग किया गया है? जी, अभी जो प्राथमिक तौर पे जो जानकारी मिली है जेसीबी से जब लाशें बाहर निकाली गई हैं, तो और जो जानकारी मिली है उसमें खाद और नमक का भी उपयोग किया गया है। आरोपियों का क्या नाम? आरोपी के नाम आपको प्रेस विज्ञप्ति में मिल जाएंगे। इसमें मुख्यतः जो मेन है वो सुरेंद्र राजपूत है, उनका छोटा भाई वीरेंद्र है, उनके खेत में काम करने वाले दो अन्य कोरकू समाज के लोग हैं, इसी तरीके से एक राकेश नाम का व्यक्ति है खंडवा का, और एक राजकुमार नाम का भी व्यक्ति है जो उनको मदद कर रहा था। इन सातों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और पूछताछ जारी है। फॉरेंसिक लैब में की जानकारी लगी है कि डेड बॉडीज़ को भेजा था? जी हाँ, ये चूंकि बहुत पुरानी बॉडीज़ हैं और करीब 1.5 महीना पहले इनकी हत्या हो चुकी है, गाड़ दिया गया था, ऐसे में इसको फॉरेंसिक जांच के लिए इंदौर भेजा गया है, वहाँ से जो रिजल्ट आएंगे उस अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया? 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसमें विवेक तिवारी का क्या रोल है सर? विवेक तिवारी इनका साथी है, उन्होंने इनका पूरे घटनाक्रम में उनको साथ दिया। इन सातों आरोपियों में से किसी को सरकारी गवाह भी पुलिस बना सकती है? नहीं, सरकारी गवाह बनाने का अभी ऐसा कोई अभी विचार नहीं है, हमारे पास सबके खिलाफ एविडेंसेज हैं, सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।